हाँ जी, कैसे हो सारे? मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेक रक्स। तो आईफोन 12 सीरीज में क्या हमें हायर रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़, 120 हर्ट्ज़ से ज़्यादा 90 हर्ट्ज़ वगैरह की स्क्रीन्स देखने के लिए मिलेगी या नहीं? तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए। तो आजकल जो है वो हर एक स्मार्टफोन में लगभग जो है वो हायर रिफ्रेश रेट की स्क्रीन जो है वो कंपनीज देने की कोशिश कर रही हैं। जैसे रियलमी, रेडमी वगैरह हो गए, तो 15,000 की रेंज में भी जो है वो उन्होंने 120 हर्ट्ज़ की स्क्रीन जो है, 90 हर्ट्ज़ की स्क्रीन है वो दे दी है। और एप्पल की स्क्रीन जो है वो 60 हर्ट्ज़ के ऊपर ही स्टक हैं। और उसका डिज़ाइन तो चलो खैर चेंज नहीं करना चाहता एप्पल, लेकिन इस बार शायद ये होगा कि आईफोन 12 की जो सीरीज लॉन्च होगी उसमें 120 हर्ट्ज़ की स्क्रीन हमें देखने के लिए मिल सकती है। वो क्यों देखने के लिए मिल सकती है, तीन चार चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला तो आईसी यूनिवर्स ने दो तीन ट्वीट किए इसकी स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि उन्होंने पहला ट्वीट ये किया कि शायद कि अगर आईफोन में 120 हर्ट्ज़ की स्क्रीन जो है वो आ गई तो बाकी की कंपनीज की जो जो है वो लंका लग जाएगी। इसका हिंदी में ट्रांसलेट आपको करके बता रहा हूँ। दूसरा ट्वीट उन्होंने ये किया कि अगर एप्पल ने लॉन्च किया अपना कोई स्मार्टफोन 120 हर्ट्ज़ की स्क्रीन के साथ तो बाकी की सारी कंपनीज उसके पीछे भाग जाएंगी कि 120 हर्ट्ज़ की स्क्रीन देनी है, 120 हर्ट्ज़ की स्क्रीन देनी है। हालांकि काफ़ी सारी कंपनीज दे भी रही हैं अभी, लेकिन फिर वो एक तरह से कह लो कि भेड़ चाल जैसी बन जाएगी। जैसे कि पिछली बार क्या हुआ था कि एप्पल ने जब भी नॉच दी थी अपने स्मार्टफोन में तो उसके बाद सारी कंपनीज लग गई थी कि नॉच देनी है स्मार्टफोन में, नॉच देनी है स्मार्टफोन में। तो ऐसे ही कह लो कि एक तरह से ट्रेंड सेट रहा है। दूसरा उनका ट्वीट ये है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आईसी यूनिवर्स दो तीन दिन से सेम ही बात के ऊपर ट्वीट्स कर रहे जा रहे हैं कि आईफोन में 120 हर्ट्ज़ की स्क्रीन हो सकती है, तो शायद वो हमें हिंट देने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ 120 हर्ट्ज़ की स्क्रीन जो है वो आईफोन 12 सीरीज़ में हमें देखने के लिए मिल सकती है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा जिसके साथ कह लो कि हमें कुछ और आशा बढ़ जाती है हमारी कि हाँ आईफोन 12 सीरीज़ में हो सकता है क्या 120 हर्ट्ज़ की स्क्रीन मिले। तो वो ये है कि एप्पल की पहले डील चल रही थी सैमसंग के साथ, जो डिस्प्ले पैनल्स थे वो सैमसंग भेजने वाला था आईफोन 12 सीरीज़ के लिए एप्पल को। तो उनका क्या है कि कुछ प्राइस ज़्यादा लगा रहे थे वो, या कुछ होगा उनका, कुछ कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बड़े बड़े मामले हैं। तो उन्होंने अभी चाइना की कंपनीज़ के साथ हाथ मिला लिया है जिसका नाम है BOE, जिसके ऊपर हमने वीडियो की हुई है। तो वो भी स्क्रीन बनाती हैं और काफ़ी अच्छी स्क्रीन्स बनाती हैं वो भी। उन्होंने डील क्या दी है एप्पल को कि जो डिस्प्ले पैनल्स हैं वो थोड़े से सस्ते हैं सैमसंग के मुकाबले। तो अभी जो है वो जो स्क्रीन्स हमें देखने के लिए मिलेंगी आईफोन 12 सीरीज़ में वो बोई की तरफ से हैं, BOE की तरफ से होंगी, जो कि एक चाइनीज स्क्रीन कंपनी है। दूसरी बात ये है कि अगर एप्पल के कुछ पैसे बचे हैं जो कि कह लो कि स्क्रीन के मामले में, और वो पैसे बचे हैं, इसका मतलब जो आईफोन 12 की सीरीज़ का प्राइस तो चलो कम नहीं करेगा वो, लेकिन उसी पैसे को इन्वेस्ट करके वो हमें उसी स्क्रीन के अंदर ज़्यादा रिफ्रेश रेट देने की कोशिश कर सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इस बार जो लीक्स आए हैं अंदर से वो ये हैं कि इस बार जो आईफोन 12 सीरीज़ की बैटरी कैपेसिटी है वो 4000 mAh से, किसी भी मॉडल की 4000 mAh से कम नहीं है। अभी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो साइट कह रही है जो कि हमारी सोर्स है इस वीडियो की। तो इसका मतलब ये कि अगर एप्पल कोशिश कर रहा है कि जो बैटरी कैपेसिटी बढ़ाने की, तो इसका मतलब ये है कि जो हायर रिफ्रेश रेट स्क्रीन होती है वो ज़्यादा कंज्यूम करती हैं बैटरीज। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसमें 120 हर्ट्ज़ की स्क्रीन के मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस टेक्नोलॉजी का नाम एप्पल शायद इसको प्रोमोशन डिस्प्ले बोलेगा, जैसे उसने पहले आईपैड में मेरे ख्याल से ये टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है। और ये टेक्नोलॉजी आप स्विच कर पाओगे, मतलब कि 60 हर्ट्ज में, 90 हर्ट्ज में, 120 हर्ट्ज में आप अपनी स्क्रीन के जो रिफ्रेश रेट है उसको स्विच कर पाओगे। और अगर एप्पल में ये टेक्नोलॉजी आती है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। तो ऐसी काफ़ी सारी बातें और भी इंटरनेट के ऊपर घूमती फिर रही हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि आपको बता देना चाहिए। तो और एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि इस बार हमें आईफोन 12 सीरीज़ में 120 हर्ट्ज़ की स्क्रीन मिलेगी। और अभी जो है एक महीना उसकी प्रोडक्शन भी डिले हुई थी आईफोन 12 की, और हमारी पूरी प्लेलिस्ट आईफोन 12 लिस्ट के ऊपर, तो आप वो भी देख सकते हो। और एक महीना प्रोडक्शन डिले के चलते चलते कुछ डिज़ाइन चेंजेस वगैरह, कुछ स्क्रीन चेंजेस वगैरह जो है वो आए होंगे उनके दिमाग में, तो शायद हो सकता है कि हमें इसमें 120 हर्ट्ज़ की स्क्रीन देखने के मिल जाए। और अगर मिलेगी तो इस बार तो सच में काफ़ी ज़्यादा सेल होगी इसकी, क्योंकि एप्पल के फ़ोन्स तो वैसे भी बहुत बिकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन अगर चेंज हो उसका, चाहे ना भी हो, तो
आप क्या सोचते हो iOS के बारे में, आप क्या सोचते हो iPhone के बारे में, मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। आप वेट कर रहे हो iPhone 12 सीरीज की या नहीं, आप Apple लवर हो या Android लवर, मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो आप। अगर हाँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। हमें और भी सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। चंगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।